पद्मावती पर हो रही कंट्रोवर्सी ने पूरे राजपूत समाज को कर दिया है एक। और सिर्फ करणी सेना ही नहीं बल्कि राजपूत क्षत्राणियां भी इस फिल्म के विरोध में आ गई हैं। किसी ने पद्मावती का रोल प्ले करने वाली दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी दी है तो किसी ने संजय लीला भंसाली की गर्दन के लिए करोड़ों रुपए की सुपारी दे डाली है। और तो और किसी ने तो थिएटर आने वाले लोगों को ही धमका डाला है और थिएटर्स को जलाने का फरमान दे डाला है। और इस विरोध के चलते संजय लीला भंसाली ने फिल्म की रिलीज डेट जो कि 1 दिसंबर थी को चेंज कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी फिल्म को लेकर इतना हंगामा हुआ है। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई फिल्मों पर बवाल मच चुका है और आज बॉलीवुड बेकरी आपको ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहा है और इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है लास्ट ईयर रिलीज हुई फिल्म शिवाय और ए दिल है मुश्किल की कॉन्ट्रोवर्सी। जब पहली बार एक फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि करण जौहर ने उन्हें अजय देवगन की फिल्म शिवाय के अगेंस्ट बोलने के लिए पैसे दिए थे। जी हाँ, वही दूसरी तरफ करण जौहर के लिए तो डबल मुसीबत थी क्योंकि अपनी फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर्स को दिखाने की वजह से महाराष्ट्र की कुछ पार्टीज ने जता दिया था एतराज, जिसकी शुरुआत हुई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रहे टेंशन की वजह से। और इन पार्टीज ने साफ साफ कह दिया कि जब तक फिल्म से फवाद खान को हटाया नहीं जाएगा वो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। और करण जौहर किसी भी हाल में दीवानी डेट्स पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके ऑपोजिट थी अजय देवगन की शिवाय। और फाइनली खुद करण जौहर को नम आंखों से एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा और उसमें माफी मांगते हुए आगे से किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट नहीं करने का प्रॉमिस करना पड़ा। जौहर की फिल्में वैसे भी बिना कंट्रोवर्सी के रिलीज नहीं होती और ऐसी एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी फिल्म विद शाहरुख खान माय नेम इज खान को लेकर। जी हाँ, ये वही वक्त था जब आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था और शाहरुख की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने इस बात का विरोध किया था और ये विरोध पड़ गया उनकी फिल्म पर भारी और एमएनएस ने उनकी फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया था। इस कंट्रोवर्सी ने इतना तूल पकड़ा कि शाहरुख और करण जौहर दोनों के ऑफिसेज और घरों के आगे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। जब तक शाहरुख ने अपने कहे की माफी नहीं मांगी तब तक फिल्म रिलीज नहीं होने दी गई। अजय देवगन की एक फिल्म भी एक बार ऐसी कंट्रोवर्सी की आग भड़का चुकी है कि अजय के पास सिवाय हाथ जोड़ के और सर झुका के उनकी बात मानने के कोई रास्ता नहीं था। जब सन ऑफ सरदार के शूट के वक्त उनके बाएं कंधे पर बने शिवजी के टैटू ने और सरदारों पर हुए जोक्स और कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स की वजह से उन्हें भी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था। और सिखों के संघ और अकाल तख्त की तरफ से उन्हें मिली धमकी फिल्म नहीं रिलीज करने की, जिसकी वजह से फाइनली अजय को अपनी फिल्म से कुछ जोक्स हटाने पड़े, साथ ही अपने टैटू को भी वीएफएक्स की मदद से हटवाना पड़ा। पंजाब के ड्रग एडिक्शन पर बनी फिल्म उड़ता पंजाब भी कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब उस वक्त के सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निलानी ने फिल्म पर 89 कट्स की डिमांड की थी और उसकी वजह फिल्म में दी गई गालियां और कुछ ऐसे सीन्स थे जिन पर पहलाज को ऑब्जेक्शन था। साथ ही फिल्म में पंजाब की असली प्रॉब्लम दिखाने की वजह से फिल्म ने इतनी कंट्रोवर्सी पकड़ ली कि ब्यूरोक्रेट से लेकर नेता लोग तक इस फिल्म के पीछे पड़ गए थे और ये फिल्म चली गई सुप्रीम कोर्ट में जहां से फिल्म को मिला सिर्फ एक कट। बट इस फिल्म की डेस्टिनी में भी हिट होना नहीं था और ऐसा ही हुआ जब रिलीज होते ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गयी जिसकी वजह से फिल्म मेकर को काफी नुकसान उठाना पड़ा।
आमिर खान की फिल्म पीके को भी रिलीज से पहले उस आग से गुजरना पड़ा जिसे कहते हैं कॉन्ट्रोवर्सी। पहले तो आमिर के इस न्यूड पोस्टर की वजह से आमिर की फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई, लेकिन उसके बाद फिल्म में अलग अलग धर्मों पर उठाए गए सवालों ने फिल्म को कम्युनल कॉन्ट्रोवर्सी में बदल दिया और हर तरफ से इस फिल्म के विरोध में आवाजें उठने लगी।